हेलो हाय दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल क्विज इन्फॉर्मेशन सीएसके पे। आज हम जियोग्राफी की क्वेश्चन सीरीज में जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए थे जितने एग्जामों में, हम चाहते हैं कि सारे क्वेश्चन आपको एक साथ में ही हम कवर करा दें, जितने हो सके क्वेश्चन, ताकि जियोग्राफी में कोई क्वेश्चन ना बचे। इसमें कुछ ही बचेंगे, सारे लगभग सभी कवर हो जाएंगे और इससे ही पूछे जाएंगे जो बहुत बार पूछे गए हैं। आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ध्यान से देखना है यार। वीडियो को शेयर और लाइक तो कर सकते हो ना, क्या दिक्कत लाइक करने में, क्या जाता है। हाँ इतना तो यार बनता है, मेहनत इतनी करते हैं, नहीं इतना तो बनता है यार। एक दोस्त के तरीके से इतना तो कर सकते हो, कम से कम लाइक और शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों को, ताकि उन लोगों को भी फायदा हो। पर क्या यार, हमारे देश का तो कोई नहीं इस बार करोगे, ठीक मजा आ जाएगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा क्वेश्चन, ठीक है, कितने सही हुए हैं कितने गलत हुए आप लोगों के। और लास्ट में क्वेश्चन हम अलग से पूछेंगे, उसके दो तीन मुझे बताना, ठीक है। ध्यान से देखना और क्वेश्चन जरा बताना कौन से सही है। तो जैसा आप देख रहे हैं, ज़्यादा बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं, 50 क्वेश्चन मैं कवर कराऊंगा एक बार में ही, ठीक है, बार बार नहीं, ताकि आप इसको रिवाइज करें और पता करें कितने क्वेश्चन आप लोगों के कवर हुए। तो ओके लेट स्टार्ट नाउ, और चेक करते हैं आप लोग अपने अपने क्वेश्चन चेक करके बताना कितने किन लोगों के सही हुए हैं और कितने गलत, ठीक है, ईमानदारी से। तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने कि पृथ्वी के द्रव पदार्थ की घनीभूत हो जाने से बनी चट्टाने को क्या कहते हैं, या कहते हैं जो पृथ्वी के द्रव पदार्थों से घनीभूत हो जाने से बनी है चट्टाने, उनको क्या कहते हैं बताइए। ऑप्शन क्या है इसका, और आग्नेय हैं, अवसादी हैं, या रूपांतरित चट्टाने, या कोई नहीं। एनीवन क्वेश्चन सो टेल मी, मतलब एक पृथ्वी के जो द्रव हैं, जो पानी पदार्थ यानी मिट्टी से जो घनीभूत हो जाकर मिलकर बनी है, वो उनको क्या कहते हैं, बस इतना समझ में। मिट्टी और पानी से मिलकर जो बनी है उनको क्या कहते हैं, अवसादी कहते हैं, रूपांतरित आग्नेय कहते हैं, बताना मुझे जरा आंसर कमेंट बॉक्स में। कौन सा है, ये है आपका आग्नेय, कौन सा है आग्नेय, ठीक है, आग्नेय चट्टाने है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, आग्नेय शैल क्या कहलाती है, आग्नेय शैल क्या कहलाती है, आग्नेय शैल कौन, अच्छा आग्नेय शैल पता कौन सी होती है, कायांतरित होती है, कायांतरित बन जाती हैं आग्नेय शैल, जब ज्वालामुखी का लावा फूटता है उसके बाद में वो लावा ठंडा होता है, कायांतरित बनती है, और उन्हें या उन्हें आग्नेय शैल चट्टाने कहते हैं, आग्नेय शैल कहते हैं, जो पिघल जाती हैं या पिघल कर बनती हैं कायांतरित चट्टाने, उन्हें क्या कहते हैं। तो बताइए जला आप लोग कौन सा सही है, तो इसमें कौन सा है मौलिक, कौन सा है मौलिक शैल, कौन सा है मौलिक सेल। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है, आग्नेय चट्टाने बनाती हैं, क्या बनाती हैं आग्नेय चट्टाने, गर्म लावा के ठंडे होने से क्या बनती हैं, आग्नेय चट्टाएं कैसे बनती हैं बताओ, गर्म लावा को ठंडे होने से, पर्वत के गिरने से, मतलब जो लावा गर्म होकर ज्वालामुखी के द्वारा, जैसे ये मान लो पृथ्वी है, ठीक है, ये मान लो पृथ्वी, मैं आप लोगों को एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ, और ये क्या है, ये मान लो इसे लावा है, ये लावा लावा है, यहाँ से लावा निकल रहा है, तो ये क्या होगा, पृथ्वी को पार करके, ये मान लो पृथ्वी है, ठीक है, नीला ऐसे मान लो पृथ्वी है, ठीक, और ये लावा ऐसे यहाँ पर फार के बाहर आएगा, तो ये क्या होगा, क्या होगा ये बताओ, बनकर क्या बनेगा, तो ये गर्म लावा ठंडे होने से चट्टाने क्या बनती हैं, तो ये चट्टाने आग्नेय शैले किससे बनती हैं, गर्म लावा के ठंडे होने से, कैसे, ना कि पर्वत गिरने से, और ना ही भूकंप आने से, तो कैसे बनती हैं, ये इसका ये है, जरा आप लोग देखना इसमें कौन सा है, तो गर्म लावा के ठंडे होने से, ठीक है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए कौन सा है, निर्माण की दृष्टि से निम्न में कौन सी चट्टाने सर्वाधिक प्राचीन हैं, मतलब
निर्माण की दृष्टि, जब निर्माण हुई थी चट्टानों की, तो सबसे प्राचीन जो सबसे पहले कौन सी चट्टानें थी बताइए, सबसे पहले चट्टानें कौन सी बनी थी? तो आग्नेय थी, आग्नेय थी क्योंकि आग्नेय तभी होंगी जब वो पिघलेंगी, कायांतरित थी, अवसादी थी, अवतली थी? बताइए अपने कमेंट बॉक्स में आंसर रोक कर बताइए कौन सी थी। आग्नेय थी, कौन सी थी? आग्नेय थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेनाइट की गणना किस प्रकार की चट्टानों में की जाती है? जो ग्रेनाइट होता है, पत्थर होता है, उनकी गणना किस प्रकार की चट्टानों में काउंट की जाती है, जोड़ी जाती है, बताइए। व्हाट मीन्स ऑफ ग्रेनाइट बताइए, काउंटेबल ऑफ या कैसे की जाती है? नॉर्म्स ऑफ ग्रेनाइट सेट, ग्रेनाइट की चट्टानें किस प्रकार की चट्टानों में की जाती है? आग्नेय में नहीं है, अवसादी में नहीं है, अवसादी में, कायांतरित में, अवतली, प्लेटनो, प्लूटोनिक में, किस में बताइए जल्दी से, कम ऑन हरी अप। हाँ, इस बार तो जरूर सही बताया गया, आग्नेय थी। कौन सी? आग्नेय, काफी लोगों ने गलत बताया, बताइए ग्रेनाइट कौन सी थी? ग्रेनाइट दाब के कारण कौन सी थी? अधिवितली प्लूटोनिक, कौन सी? अधिवितली प्लूटोनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूपृष्ठ का कितना प्रतिशत भाग अवसादी शैलों से ढका हुआ है? भूपृष्ठ का जो भाग है कितना अवसादी अवसादी शैलों से ढका हुआ है बताइए, जो पृथ्वी का भाग है अवसादी से कितना ढका हुआ है? ये पूरी पृथ्वी मान लीजिए यार, अब बताइए कितना भाग जो अवसादी शैलों से बना हुआ होता है, जिसमें वाष्म होते हैं, जीवाश्म होते हैं, नाइट्रोजन होता है, तो कितने से? 75%, 65, 70 या 90 बताइए। ये रहा आपका 75, कितने से? 75% से, कितना? 75% से बना होता है अवसादी जो पृष्ठ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए कौन सा है, धरातल के सर्वाधिक भाग पर निम्नलिखित में से किस चट्टान का विस्तार पाया जाता है? धरातल के सर्वाधिक भाग पर निम्नलिखित में कौन सा विस्तार चट्टान का पाया जाता है बताइए, जो भूमि पर सर्वाधिक कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं, ऐसे बताइए, कौन सी ज्यादा जगह लेती हैं? आग्नेय, आग्नेय तो पता है कौन सी होगी, आग्नेय चट्टानें जो कायांतरित होंगी आग्नेय के द्वारा, अवसादी, कायांतरित या इनमें कोई नहीं, कमेंट बॉक्स में बताइए, अवसादी चट्टानें कौन सी? अवसादी चट्टानें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, भूपृष्ठ की बनावट में अवसादी शैलों से योगदान है, क्या है योगदान? जो पृथ्वी की बनावट में अवसादी से शैलों या अवसादी शैलों का योगदान है बताइए, क्या योगदान है? या अवसादी शैलों से योगदान है क्या है? 5% है, 8%, 10%, 15%, तो ये रहा आपका आंसर, कितना है? 5%। निम्नलिखित में कौन सी चट्टान जैविक चट्टानों के अंतर्गत आती है? अब आपको ये तो पता होगा ना, जैविक चट्टानें किसमें आती है? जिसमें जीवाश्म होंगे, ऑक्सीजन होगा, पानी होगे, पेड़ पौधे होंगे, इतना तो समझ गए ना, संगमरमर है, कोयला है, ग्रेनाइट है, बताइए तो कौन सा है? कोयला, क्योंकि कोयला कहीं ना कहीं दब जाता है, उसी से तो कोयला बनता है, उसी से चट्टानें बनती हैं। फिर कोयला किस चट्टान में पाया जाता है, अब बताइए, कोयला जो है किस चट्टान में पाया जाता है? पर्वतीय चट्टान में, परतदार में, अजैव में या आग्नेय में? तो कौन से है बताइए, तीनों में कौन सा है? इसमें कौन सा है? परतदार में, किसमें? परतदार में पाई जाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट्रोलियम कौन सा है? पेट्रोलियम खनिज तेल किस चट्टान में पाया जाता है? जो पेट्रोल पाया जाता है, खनिज पाया जाता है और तेल पाया जाता है, किसमें?
आग्नेय में, नवीन संस्करणी में, प्राचीन संस्करणी में या परावर्तित में, किस में पाई जाती है? तो बताइए, तो किस में है? प्राचीन में, जो पुरानी पुरानी प्रसंस्करण है, क्योंकि उसमें ही दबा पड़ा है ना, वो उससे बना है। फिर निम्नलिखित में बताइए, कौन परतदार चट्टान नहीं है? परतदार कौन सी नहीं है जिसपे परतें नहीं पाई जाती हैं? कौन सा, चूना है, बालू है, और सेल है, या क्वार्टजाइट है? तो ये रहा आपका आंसर, क्वार्टजाइट। कौन सा है? क्वार्टजाइट में चट्टाने परतदार नहीं पाई जाती हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, निम्नलिखित में कौन से बिलक प्रकार की चट्टाने हैं, जो अलग प्रकार की हैं या बिलक प्रकार की? बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, संगमरमर, कोलो मेरेट, कौन सा है? तो इसका आंसर होगा आपका संगमरमर। कौन सा? संगमरमर, संगमरमर है। फिर पृथ्वी के आंतरिक भाग में किस प्रकार चट्टानों का निर्माण अधिक उष्मा और दबाव से हुआ है? पृथ्वी के अंदर जो भाग में कोई चीज होता है, जो चट्टाने का जो निर्माण अधिक उष्मा और दाब से हुआ है, उसको क्या कहते हैं? आग्नेय, अवसादी, कायांत्रित, क्या कहेंगे? अवसादी है ना, क्या कहेंगे बताना? अवसादी कहेंगे, आग्नेय कहेंगे, और या कायांत्रित या ज्वालामुखी? तो क्या कहते हैं? कायांत्रित। कौन सी है? कायांत्रित। ओके। फिर बलुआ पत्थर परिवर्तित किस में होता है? बलुआ पत्थर जो होता है किस में बदल जाता है? नीस में, सिस्ट में, या क्वार्टज में, या ग्रेफाइट में? किस में बदलता है बलुआ पत्थर? किस में है? नीस में या किस में? तो ये देखिए आप अपना आंसर, क्वार्टज में। किस में? क्वार्टज में। बलुआ पत्थर परिवर्तित किस में होता है? जब बलुआ पत्थर दबता है किस में? क्वार्टजाइट में। तो ये रहा आपका क्वार्टजाइट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? तो एक बार चूना पत्थर की कायांत्रित रूप कौन है? तो चूना पत्थर का कायांत्रित रूप है कौन सा है? चूना पत्थर का संगमरमर है। कौन सा? संगमरमर। फिर हमने देखा कि निम्नलिखित में कौन सी रूपांतरित चट्टान है या बदली हुई है? तो कौन सी निकली थी? तो उसमें नीस थी। फिर हमने देखा था नीस चट्टान की परिवर्तित रूप कौन सा है? तो इसमें है परिवर्तित चट्टान। कौन सा? परिवर्तित। फिर हमने देखा था, अब निम्नलिखित में कौन सी रूपांतरित चट्टान नहीं है, जो बदली हुई नहीं है? सिस्ट है, स्लेट है, सिस्ट है, डायना रोइट है, या फाइलाइट है? कौन सी है? तो ये आप देख सकते हैं, डायरोराइट है। कौन सी? डायरोराइट। ठीक है, डायरोराइट है। निम्नलिखित में कौन सा कारण चट्टानों में रूपांतरण के लिए उत्तरदायी नहीं है? मतलब कौन सा जिम्मेदार नहीं है कि जो परिवर्तन हो जाता है चट्टानों का, जो आग्नेय कायांत्रित में बदल जाती हैं, अवसादी संगमरमर में बदल जाती हैं, जैसे चूना पत्थर? तो कौन सी नहीं है? अपरदन वाली, ताप वाली, या दबाव वाली, या घुलन वाली? कौन सी नहीं है? तो अपरदन वाली, जो मिट्टी बहकर जाती है ना, तो वो किसी के कारण नहीं परिवर्तित होती। अवसादी शैलों का दूसरा नाम क्या है? जो अवसादी शैलें हैं उनको दूसरा नाम क्या कहते हैं? अवसादी शैलों का दूसरा नाम क्या कहते हैं? अवसादी शैलों का दूसरा नाम क्या कहते हैं? स्तरित शैल है, अस्तरित शैल है, या अरंधी शैल है? इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है स्तरित शैल है। कौन सी है? स्तरित शैल है, स्तरित शैल है। फिर निम्नलिखित में आग्नेय चट्टान कौन सी है? कौन सी आग्नेय चट्टान है? तो स्लेट है, लाइम स्टोन है, ग्रेनाइट है, क्वार्टम है? बताइए। तो इसका कौन सा है? ग्रेनाइट है। आग्नेय शैल कौन सी है? ग्रेनाइट है, पत्थर। रूपांतरित चट्टान की उत्पत्ति चट्टानों से होती है, किन चट्टानों से होती है जो रूपांतरित होते हैं? तो हम कहेंगे आग्नेय से, तलछटी से, आग्नेय तलछटी से, इनमें से कोई नहीं। कौन सा है? तो इसका सही आंसर कौन सा है? आग्नेय तलछटी। किसकी? आग्नेय तलछटी। फिर दूसरा क्वेश्चन कौन सा है? निम्नलिखित में आग्नेय चट्टान का उदाहरण कौन सा है? जो आग्नेय चट्टान है उसका उदाहरण कौन सा है?
आग्नेय है, बेसाल्ट कौन सा है, बलुआ पत्थर, संगमरमर, क्वार्टर, बेसाल्ट कौन सा है, तो ये बेसाल्ट है। कौन सा है? बेसाल्ट। जो अधोलिखित निम्नलिखित चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, तो किसमें नहीं पाए जाएंगे? बलुआ पत्थर में होंगे, ग्रेनाइट में, सेल में, कांग्लोमरेट में, किसमें नहीं? तो हम कहेंगे ग्रेनाइट में नहीं होता, क्योंकि ये पत्थर होता है, इसमें ऑक्सीजन नहीं होती है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा मृत सेल है? निम्नलिखित में कौन सा मृत सेल है, जो मरी हुई सेल है? कौन सी? अवसादि में तो जीव होते हैं, आग्नेय में तो कुछ नहीं होगा, कायंत्रित में कुछ नहीं होगा, तो इनमें कौन सा है? तो इसमें हम कहेंगे आग्नेय में। कौन सी? आग्नेय में। फिर निम्नलिखित में कौन सी आग्नेय सेल नहीं है? कौन सी आग्नेय सेल नहीं है? तो गैब्रो, ग्रेनाइट, डोलोमाइट, बेसाल्ट। बेसाल्ट है, डोलोमाइट है, ग्रेनाइट है, गैब्रो कौन सा? तो हम कहेंगे डोलोमाइट। डोलोमाइट क्या है? आग्नेय सेल नहीं है। किस देश में भूकंप की मतलब भूकंप से उत्पन्न विनाशकारी समुद्री तरंगों को सुनामी कहते हैं? मैक्सिको में, जापान में, ब्रिटेन में, न्यूजीलैंड में। भूकंप क्या कहते हैं? सुनामी कहाँ कहते हैं? जापान में। जापान में क्या कहते हैं? सुनामी, जो भूकंपों के कारण आता है। सिस्मोग्राफ किसका विज्ञान है? क्या नापा जाता है सिस्मोग्राफ से? नदियों को, भूकंप को, पर्वत को, ज्वालामुखी को? तो हम कहेंगे भूकंप को। कौन सा? भूकंप है, बहुत इंपॉर्टेंट है सिस्मोग्राफ, कई बार पूछा गया है। फिर निम्नलिखित में से जिस स्थान पर भूकंपी तरंगों की उत्पत्ति होती है, उस स्थान को क्या कहा जाता है? मतलब जहाँ पर भूकंप उत्पन्न होता है, जहाँ पर तरंगे आती हैं, या जहाँ पर भूकंप आता है, तो उस स्थान को क्या कहते हैं? अधिकेंद्र कहते हैं, भूकंप अधिकेंद्र कहते हैं, भूकंप केंद्र कहते हैं, या क्लोजाइट कहते हैं? तो इसको क्या कहते हैं? भूकंप केंद्र कहते हैं, क्योंकि जहाँ पर आएगा उसे भूकंप केंद्र ही तो कहा जाएगा। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विश्वसनीय जानकारी प्राप्त करने का सबसे प्रमुख स्रोत क्या है? पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विश्वसनीय जानकारी प्राप्त करने का सही स्रोत क्या है, बताइए? जो अंदर की संरचना होती है उसको कैसे जाना जाएगा? भूकंप विज्ञान, तापमान, ज्वालामुखी, दाब घनत्व। तो हम कहेंगे भूकंप विज्ञान। किसके द्वारा? भूकंप विज्ञान के तहत। फिर अंतर्गत अंत जो सागरी भूकंप द्वारा उत्पन्न समुद्री तरंगों को क्या कहा जाता है? जो अंतर्गत समुद्र जो सागर के अंतर्गत भूकंप द्वारा उत्पन्न समुद्री तरंग लहरों को क्या कहा जाता है? सार्क कहा जाता है, सुनामी, या स्केल, या केम, क्या कहते हैं? तो कहते हैं सुनामी। क्या कहते हैं? सुनामी। फिर सुनामी का मुख्य कारण निम्नलिखित में कौन सा हो सकता है? किसके कारण सुनामी आ सकती है, बताइए? क्या वो कारण हो सके जिसके कारण सुनामी आती है? तो हम कहेंगे ज्वालामुखी, भूकंप, चक्रवात, या प्रचक्रवात। तो आपको पता है, आप तो पढ़ चुके हो भूकंप। निम्नलिखित में से सिस्मोग्राफ किसे मापन के लिए काम में लाया जाता है? किससे उससे क्या किया जाता है? सिस्मोग्राफ किसका यंत्र है, मापने का यंत्र है? तो सागरी तरंगों को, या ज्वार भाटे को, भूकंपी तरंगों को, या किसको? तो हम कहेंगे भूकंपी तरंगों को कौन सिस्मोग्राफ मापता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा कई बार गया है। फिर है सम भूकंप रेखा का आकार प्रायः क्या होता है? जो समान भूकंप रेखा होती हैं उसको क्या होता है? नियमित होता है, अनियमित होता है, वृत्ताकार होता है, एक रेखीय होता है? तो ये क्या होता है? अनियमित होता है। क्या हो? अनियमित। फिर भूकंप का कारण क्या है? जो भूकंप का कारण क्या होता है, कैसे आता है? भूमि परिभ्रमण होता है, जो भूमि घूमती है उसके कारण, या टेक्टोनिज्म के कारण होता है, या भू घूर्णन का होता है, या आच्छादन के द्वारा होता है, क्या होता है, बताइए आंसर। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर अपने अपने आंसर बताते जाइएगा, कितने सही हुए थे। भूकंप का कारण क्या था? तो था टेक्टोनिज्म के कारण, ठीक है? भूकंप का कारण होता है, जैसे लेट से फॉर एग्जाम्पल, ये दो क्या हैं? द्वीप हैं। ये जब आपस में इधर उधर खिसकते हैं, और ये ज्वाला मैग्मा जब इसे निकलता है ना, तो ये चट्टानों में जो टक्कर लगती है, तो इधर उधर खिसकते हैं, तो उसके कारण जो रगड़ लगती है, उससे क्या होता है? भूकंप
उत्पन्न होता है। फिर यहाँ पर है आग्नेय, जो अग्निवलय प्रशांत महासागर में एक विशाल क्षेत्र को काटते हैं, क्या करते हैं, एक विशाल क्षेत्र को काटते हैं। अग्नि जो वलय प्रशांत महासागर के विशाल क्षेत्र को काटते हैं, जहाँ कुल भूकंप क्या आता है, कितना आता है बताइए, ये क्वेश्चन बताइए जरा ध्यान से, कौन सा क्वेश्चन सही है, राइट आंसर क्या है बताइए कमेंट बॉक्स में, आप लोग ध्यान से बताइएगा, ये तो क्वेश्चन आप लोग सही बताना, ठीक है। ये क्वेश्चन कौन सा है, 68% है, जो विशाल क्षेत्र को काट देते हैं क्या होता है, 40%, 25%, तो इसमें भी आप गेस लगा सकते हो 68%। फिर यहाँ पर है निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान या घटना धरातल पर नहीं होती, तो जब धरातल पर नहीं होती तो जाहिर सी बात छोड़ दो जमीन पर होने वाली, ज्वालामुखी, अपक्षय, अपरदन, तो फिर कौन होगा, आप समझ सकते हो आंसर कौन सा है, सुनामी है ना, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सी अनुन में प्राकृतिक आपदा है आने वाली, कौन सी है, भूकंप है, चक्रवात है, बवंडर है, प्रभंजन है, कौन सा है अनुमेय प्राकृतिक, तो भूकंप है, कौन सी है, प्राकृतिक भूकंप है। फिर उसके बाद है विश्व के सर्वाधिक जो 63% लगभग 63% भूकंप निम्न में किस पेटी में आते हैं, पेटियां कौन सी होती हैं, जैसे ये है, ये पेटियां हैं, विषुवत रेखा, 30.5 डिग्री, 23.5 डिग्री, 60 डिग्री, 66 डिग्री, फिर ये ऐसे उष्णकटिबंधी, विषुवत उष्णकटिबंधी, उपोष्णकटिबंधी, शीतकटिबंधी, कौन सा है ये क्षेत्र, तो ये पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं बताओ, तो किस पेटी में सर्वाधिक भूकंप आते हैं, तो आपको पता होगा परिप्रशांत महासागर पेटी में, मध्य महाद्वीप में, बीच में, या मध्य अटलांटिक के बीच में, या हिंद महासागरीय पेटी में, बताइए गेस, परिप्रशांत पेटी में कौन सा है, क्योंकि आपको ये बताता हूँ, देखो जब स्थल, जैसे एक ये स्थल है, ये जब पृथ्वी है, ठीक है, और यहाँ पर ये समुन्दर है, क्या है, सागर है, इसकी जब इसकी चट्टान और इसकी पृथ्वी और समुद्र के तल से जब टकराएगी तो क्या होगा, ठंड गर्म के कारण क्या होगा, ठंड गर्म के कारण भूकंप उत्पन्न होंगे, सेंसिटिव एरिया है, दबेगा इधर उधर तो उसमें क्या होगा, ऊपर नीचे जाएगा, तो इसके कारण भूकंप आएंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा कौन सा सही है, तरल पदार्थों से ना गुजरने वाली भूकंपी लहर कौन सी है, जो तरल पदार्थों से ना होकर ना गुजरती है, तरल पदार्थ मतलब क्या होता है, पानी, ठीक है, पानी से ना होकर गुजरने वाली भूकंपी तरंग कौन है, पी है, एल है, लॉन्ग है, शॉर्ट है, कौन सी है, इनमें कोई नहीं, तो कौन सी है, एस आकार की है, कौन सी, शॉर्ट, छोटी, इनकी डिफिनेशन अलग अलग भी हो सकती है, कोई नहीं। फिर रिएक्टल स्केल, ये रिएक्टल स्केल, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मापने के लिए किया जाता है, क्या किया जाता है, किसके लिए मापा जाता है, रिएक्टर जो होता है, रिएक्टर स्केल, स्केल से आपको ध्यान आ जाएगा, वायु की आर्द्रता, वायु का वेग, भूकंप की तीव्रता या तरल का घनत्व, समझ में आ रहा होगा ना, पटरे हम किस चीज के लिए यूज करते हैं, आइडिया लगाओगे तो समझ में आ जाएगा, वायु की आर्द्रता के लिए, उसके लिए तो फिर पता है क्या होगा, वायु का वेग, भूकंप की तीव्रता, घनत्व, तो भूकंप की तीव्रता के लिए रिएक्टर स्केल। किसी क्षेत्र के उन स्थानों को मिलने वाली रेखा,
या मिलाने वाली रेखा जहाँ भूकंप एक साथ अनुभव किया जा सकता है, वो कौन सी रेखाएं हैं जिनको एक साथ मिलाती है जहाँ पर भूकंप रेखा आती है, भूकंप आता है, कौन सी रेखा मानी जाती है? सह भूकंप रेखा या सम भूकंप रेखा, आइसो पाइनिक रेखा या आइसो गोगनल रेखा, कौन सी है? तो आप बता सकते हैं इसमें कौन सा हिस्सा भूकंपी रेखा है। फिर है बेसाल्ट, क्या है बेसाल्ट? बेसाल्ट के रूपांतरण फलस्वरूप किस चट्टानों का निर्माण होता है? जो बेसाल्ट का रूपांतरण होता है किस चट्टान बनती है, बेसाल्ट का रूप जब बदलता है, तो बेसाल्ट से आपको पता है किसमें बदलेगा बताइए, पेगमाइट, स्लेट, एम्फी बोलाइट और फाइलाइट, किसके कारण? तो यह है एम्फी फोर्ड, क्या है एम्फी फोर्ड। कालडेरा संबंधित किससे है? कालडेरा है वो किससे संबंधित है? हिमनद से, भूकंप से, ज्वालामुखी से, वर्मन से, तो कौन सा है? ज्वालामुखी से कालडेरा संबंधित है, किससे? ज्वालामुखी से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थलाकृतियों का निर्माण ज्वालामुखी क्रिया से हुआ है, नहीं हुआ है सॉरी, किसे स्थलाकृति का निर्माण ज्वालामुखी क्रिया से नहीं हुआ? तो ज्वालामुखी से क्या बनता है? बेसाल्ट बनता है जो लावा निकल के आता है, बस वो ध्यान रखना, क्या नहीं बनता है तो ये देखना। लावा मैदान सिल लाइक और बिसर्फ, क्या नहीं बनता है देखना, तो बिसर्फ नहीं बनता क्योंकि ये नदियों द्वारा बनता है, क्या है नदियों द्वारा। निम्नलिखित में कौन सी स्थलाकृत ज्वालामुखी की क्रिया से संबंधित नहीं है? तो ये देखना, क्रेटर, कालडरा, गेसर और फिकी, तो ये किसे? फियोर्ड से, फियोर्ड से, ठीक है। फिर लास्ट के दो क्वेश्चन बचे हैं, फौसा मैना है क्या है, एक मतलब फौसा मैना मैगना क्या है, फौसा मैगना। तो लाइक करते चलिए यार, लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो बताइए, ज्वालामुखी है, वी आकार की घाटी है, या भ्रंशोत पर्वत है, भ्रंशोत पर्वत जानते हो कैसे कहते हैं, भ्रंशोत पर्वत ऐसे, या तो ऊपर उठा हो या फिर इसके साइड में, या ऐसे उठा हो इसके साइड में, या जमीन बैठ गई हो, ठीक है, या ऊपर उठा हो। भ्रंश घाटी में जैसे नर्मदा तापी बैठी, इधर उधर क्या है, इधर अरावली, इधर सतपुड़ा के बीच में बहती है, तो ये कौन सा सही? तो ये है कौन सी, ज्वालामुखी, ठीक है। फौसा मैगना किसको कहते हैं, ज्वालामुखी को। फिर है एलमिस्टी, एलमिस्टी ज्वालामुखी किस देश में है, एलमिस्टी ज्वालामुखी किस देश में पाया जाता है, एलमिस्टी जो ज्वालामुखी है, एलमिस्टी ज्वालामुखी कहाँ पाया जाता है बताइए, इटली में, चिली में, पेरू में, कोलंबिया में, तो कहाँ पाया जाता है, पेरू के तट पर पाया जाता है। पेरू का तट पता है कहाँ है, पेरू का तट ये उत्तर अमेरिका, ठीक है, और ये है दक्षिण अमेरिका, ये छोटा बन गया, कोई बात नहीं बड़ा बना देते हैं। ठीक है, तो ये है, तो यहाँ पर पेरू तट पाया जाता है, पेरू तट दक्षिण अफ्रीका में, पेरू तट इस साइड में पाया जाता है। अब मैं आपको लास्ट क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, मुझे बताना जरा आंसर क्या होगा उसका, ठीक है। विसुवियस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? विसुवियस ये ज्वालामुखियों के नाम है, कोर्निया में, इटली में, इंडोनेशिया में, मैक्सिको में, किसके नाम है बताइए, कहाँ का है? तो ये आंसर क्या है, इटली का है, कौन सा है, विसुवियस ज्वालामुखी, से याद रखना, ठीक है, मैं जो बता रहा हूँ, सॉरी इटली का, कहाँ का, इटली का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, जरा बताना वो आंसर उसका क्या होगा, ठीक है, जरा बताना इसका आंसर क्या होगा।
बताना कि भारत की या भारत की दक्षिण में सबसे ऊंची ऊंची चोटी कौन है बताइए। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताते चलिएगा, ठीक है। मैं आपको ऑप्शन भी दे देता हूँ, ध्यान देना, दक्षिण भारत पूछ रहा हूँ, कुछ और मत ध्यान देना। यहाँ पर ऑप्शन है डोडा बेटा, डोडा बेटा, ठीक है। नंबर दो, नंबर दो है नीलगिरी, नीलगिरी। तीन पर है अन्नाई मुड़ी, अन्नाई मुड़ी, ठीक है। अब ऑप्शन नन, मुझे बताना कौन सा होगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लिखना, और ये मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना इसका आंसर क्या सही है क्या गलत। फिर अगला क्वेश्चन बताना, दक्षिण भारत की निम्नलिखित में से दक्षिण या दक्षिण भारत में दूसरी दूसरी ऊंची चोटी पाई जाने वाली वाली का नाम बताइए। यार इसको नाम बताइए क्या है, ठीक है। दक्षिण भारत, निम्नलिखित में से दक्षिण भारत में दूसरी जो सबसे ऊंची, क्या है, ऊंची ऊंची पाई जाने वाली का नाम बताइए। ऊंची पाई जाने वाली क्या है, चोटी। ऊंची चोटी पाई जाने वाली का नाम बताइए क्या है। फिर एक क्वेश्चन लिख लीजिए, भारत में महानदी 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 किसकी सहायक नदी है, किसकी सहायक नदी है, किसकी सहायक नदी है, ठीक है। ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। और फिर अगला क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आपको, इसको मैं आंसर भी बताऊंगा आपको, इसमें दूंगा ऑप्शन। क्वेश्चन ठीक है, क्वेश्चन भारत में भारत
भ्रंश घाटी में बहने वाली नदियों के नाम बताइए। ऑप्शन एक गोदावरी, ठीक है। ऑप्शन दो नर्मदा। ऑप्शन तीन गोदावरी नर्मदा, फिर हो गई ताप्ती ताप्ती। ऑप्शन इसमें है एक दो, सॉरी ऑप्शन है केवल दो और तीन, और ऑप्शन ऑप्शन तीन है एक दो तीनों। बताइएगा कौन सा सही है, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कैसे आपके वीडियो लगे, और वीडियो को लाइक और शेयर करते चलिएगा। आपको ऐसे वीडियो बहुत से मिलेंगे, इस बार लाएंगे बहुत नदियों पे, बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को। और बताइए कि कमेंट बॉक्स में आपको कितने क्वेश्चन सही लगे और आपको कितने सही हुए, ठीक है। थैंक यू, फिर मिलेंगे नए वीडियो में।